अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा, जितनी भी लोग छुट्टी पे गए और फिर वापस नहीं आए, इसका खरूज वहाँ पाकिस्तान में एक्सपायर हो गया या इंडिया में एक्सपायर हो गया या बांग्लादेश में एक्सपायर हो गया, जिधर भी है इसका खरूज एक्सपायर हो गया पाकिस्तान में और फिर वापस नहीं आया। सही है। तो सऊदी अरब ने ये कानून पास किया था 2015 में कि आप फिर नहीं आ सकते। सही है। 3 साल का बैन जो है ना वो आप पे लग जाएगा। अगर आप छुट्टी पे गए और आपका खरूज वहाँ पे एक्सपायर हो गया, फिर आप 3 साल के लिए आप नहीं आ सकते सऊदी अरब। सही है। नए वीज़े पे सऊदी अरब ने अब एक नया कानून पास किया है कि जनवरी 2024 में ये कानून पास हो गया है कि जितने भी लोग सऊदी अरब से गए छुट्टी पे और फिर वापस नहीं आया, सही है, तो अब वो आ सकता है। ये 3 साल का पाबंदी जो है ना वो अब ख़त्म हो गया है। सही है। मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूज़ भी सऊदी अरब का शेयर करूंगा, जो जवाज़ात ने इशू किया है ये न्यूज़, तो मैं आप लोगों के साथ जवाज़ात का न्यूज़ भी शेयर कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको सिस्टम दिखा रहा हूँ। ये दो दोस्तों ने मुझे जो है ना ये प्रिंट भी सेंड किया है कि आप ये प्रिंट भी चेक कर दें। ज़्यादातर लोग मेरे साथ कांटेक्ट में हैं क्योंकि मैं ट्रेवल एजेंसी का काम करता हूँ रियाज में, तो ये लोग जो है ना हमें ये प्रिंट भी सेंड करता है कि आप इसमें देख लें। मैंने जवाजात से भी पता किया था कि ये लोग आ सकता है या नहीं आ सकता, तो ये 2 साल पहले जो है ना ये एक बंदा गया था पाकिस्तान, फिर वो नहीं आया, फिर इसने मुझे मैसेज सेंड किया कि आप ये देख लो कि मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, मेरा खरूज, मैं छुट्टी पे आया था पाकिस्तान लेकिन अब खरूज एक्सपायर हो गया और फिर अब मैं नया वीज़े पे आ सकता हूँ या विज़िट वीज़े पे या उम्रे वीज़े पे। तो मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि जवाजात के साथ मैंने रबता किया, वो बता रहे कि वो आ सकता है। 2-3 एजेंट के साथ भी मैंने रबता किया तो वो भी कह रहा था कि आप आ सकते हैं। सही है। ये बिल्कुल श्योर है कि आप बिल्कुल आ सकते हैं सऊदी अरब। सही है। चाहे आप उम्र वीज़े पे आ रहे हो या विजिट वीज़े पे आ रहे हो या आज़ाद वीज़े पे आ रहे हो, सही, आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपके साथ जवाजात का कुछ न्यूज़ भी शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। आप लोगों ने तो ये देख लिया होगा लेकिन अब मैं कुछ और न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कानून जो है ना ये 17 जनवरी 2024 में पास हो गया है। सही है। जवाजात वालों ने ये कानून पास किया है कि अब आप लोग आ सकते हैं। तो मैं आपके साथ जवाजात का कुछ और न्यूज़ भी शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोग खुद भी पढ़ ले और इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। सही है। ये कानून जो है ना 2015 में पास हुआ था कि 3 साल जो लोग छुट्टी पे जा रहे हैं और फिर वापस नहीं आ रहा, सही है, तो ये 2015 में ये कानून पास हुआ था कि फिर वो वापस नहीं आ सकता 3 साल के लिए। सही है। और अब इन्होंने ये कानून पास किया है कि जो लोग छुट्टी पे गए थे, सही है, जो लोग छुट्टी पे गए थे, सही है, वो लोग जो है ना अब आ सकता है, यानी 3 साल का पाबंदी जो है ना वो अब ख़त्म हो गई है। सही है। चाहे जिस बंदे का 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, वो अब आ सकता है, कोई मसला नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जवाजात का मैसेज है। सही है। ये 17-18 जनवरी को ये कानून पास हुआ था। सही है। फिर इन लोगों ने ये न्यूज़ में शेयर किया था। ये वीडियो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की है क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इस पे एक वीडियोस बना दें, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया, आप लोगों के साथ भी शेयर किया। इंशाल्लाह इसी तरह मालूमाती वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सही है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह इसी तरह मालूमाती वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।